हेलो फ्रेंड, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैक। सो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीएनसी मिलिंग हिडन आईएसओ कंट्रोलर के बारे में कुछ सीखेंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि हम लोग जानते हैं, आज का डेट सीएनसी का डेट है। सो सीएनसी के बारे में हर किसी स्टूडेंट, चाहे वो आईटीआई हो, डिप्लोमा हो या फिर इंजीनियरिंग हो, सभी को सीएनसी के बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि आप लोगों को सीएनसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो फ्रेंड, आइए देखते हैं। जैसे हम लोगों को मालूम है कि सीएनसी मशीन पे डिफरेंट कंट्रोलर यूज किया जाता है, जैसे एक्रोमेटिक, एशिया, बॉस, एमको, डिक्सी, फानुक, वीडिया, फिलिप्स, माहो, सीमेंस, तोशिबा। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोलर जो हर इंडस्ट्री में अवेलेबल होती है, वो है फानुक, सीमेंस तथा हिडन हैंड। सो फ्रेंड, ये तीनों कंट्रोलर के बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो आइए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीएनसी मिलिंग हिडन कंट्रोल के बारे में जानें। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग सीएनसी मशीन तथा कन्वेंशनल मशीन का डिफरेंस के बारे में पता करेंगे। सो आइए देखते हैं कन्वेंशनल तथा सीएनसी मशीन में डिफरेंस। कि आप देख पा रहे हैं, इसमें कन्वेंशनल तथा सीएनसी मशीनिंग को दिखाया गया है। सो फ्रेंड, आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस। मैनुअल मशीन पे जितना भी ऑपरेशन होता है, सारा मैनुअली परफॉर्म होता है, यानी एक ऑपरेटर सारा ऑपरेशन को मैनुअली कंट्रोल करता है। लेकिन सीएनसी मशीन में ऐसा नहीं है। सीएनसी मशीन में जितना भी ऑपरेशन है, सारा ऑपरेशन ऑटोमेटिक होता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर पैनल होती है सीएनसी मशीन में, उस कंप्यूटर के थ्रू हम लोग सारा ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोडक्शन टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है कन्वेंशनल मशीन पे, लेकिन सीएनसी मशीन में प्रोडक्शन टाइम कम होती है। इसलिए मैनुअल मशीन में प्रोडक्शन टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे सेट ओवर टाइम भी लगती है, यानी जॉब को सेटिंग करना, टूल को लगाना, ये सारा टाइम काफ़ी पड़ती है, इसलिए प्रोडक्शन टाइम उसका बढ़ जाता है। लेकिन सीएनसी मशीन पे टूल को कॉल हम लोग ऑटोमेटिक कर सकते हैं थ्रू कोड। चिप्स कन्वेयर होती है कटिंग चिप्स को बाहर निकालने के लिए, लेकिन कन्वेंशनल मशीन पर ऐसा नहीं होती। कन्वेंशनल मशीन में जो भी कटिंग चिप्स होती है, सारा मैनुअली हटाया जाता है। और अगर हम मैनुअल मशीन पे काम कर रहे हैं, तो उसका जो एक्यूरेसी होता है, वो डिपेंड करता है ह्यूमन स्किल पे, एक ऑपरेटर के स्किल पे डिपेंड करता है। लेकिन सीएनसी मशीन में ऐसा नहीं है। सीएनसी मशीन पे प्रोग्राम हम कैसे बनाए हैं, मशीन पे हम कैसे सेटिंग किए हैं, ऑफसेट कैसे लिए हैं, ये सारा चीज़ को कंसिडर करते हैं एक जॉब का एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए। मैनुअल मशीन पे हम लोग जॉब का क्वालिटी को कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड, कंसिस्टेंसी क्या है, यानी लगातार अगर हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को देखेंगे, तो लगातार हर जॉब पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मेंटेन नहीं हो पाएगा इन केस ऑफ कन्वेंशनल मशीन। लेकिन सीएनसी मशीन में हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। कन्वेंशनल मशीन पे कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल का जॉब को हम लोग काफ़ी दिक्कत से बनाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कॉम्प्लिकेटेड जॉब हम लोग नहीं बना सकते हैं, लेकिन सीएनसी मशीन में किसी भी तरह का कंटूर कॉम्प्लिकेटेड जॉब को हम लोग आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि सीएनसी मशीन में प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रोफाइल को हम लोग कट कर सकते हैं। मैनुअल मशीन पे कोई भी न्यू जॉब, कोई भी न्यू कंपोनेंट तथा अगर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन का ज़रूरत पड़ता है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन सीएनसी मशीन पे ऐसा नहीं होती है। चाहे कोई भी न्यू कंपोनेंट हो या फिर किसी भी कंपोनेंट में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो, हम लोग आसानी से सीएनसी मशीन में कर सकते हैं। मैनुअल मशीन पे वर्कपीस को क्लैंपिंग मैनुअली करना पड़ता है, तथा टूल को माउंट भी हम लोग मैनुअली करते हैं। इसमें मैकेनिकल सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है, लेकिन सीएनसी मशीन पे वर्कपीस को क्लैंपिंग करना हो या फिर टूल को माउंट करना हो, सारा तुरंत होती है। सीएनसी मशीन पे हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम काम करती है। सीएनसी मशीन में हम लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं साइकिल टाइम का प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सपोज दैट एक प्रोडक्ट 2 मिनट में बन रहा, तो दूसरा प्रोडक्ट भी 2 मिनट में ही बनेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल
कन्वेंशनल मशीन में नहीं होता है। हो सके कन्वेंशनल मशीन में एक जॉब 10 मिनट में बन रहा है तो दूसरा जॉब 9 मिनट में बने, तीसरा जॉब 15 मिनट में बने, यानी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होता है, टाइम का वेरिएशन होता है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट सीएनसी मशीन का काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल मशीन। कन्वेंशनल मशीन का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम होता है। मैनुअल मशीन पे एक ऑपरेटर एक ही टाइम एक ही मशीन को ऑपरेट कर सकता है, लेकिन सीएनसी मशीन पे एक ऑपरेटर एक ही टाइम दो या दो से ज़्यादा मशीन को ऑपरेट कर सकता है। तो ये सारा पॉसिबिलिटीज सीएनसी मशीन पे है जो मैनुअल मशीन पे नहीं है। सो फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीएनसी मशीन तथा कन्वेंशनल मशीन के बारे में डिफरेंस को जाने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल अपलोड मोर वीडियोज रिलेटेड टू सीएनसी मशीन, सो सब्सक्राइब माई चैनल टेक मैक सो दैट यू कैन गेट मोर वीडियोज थ्रू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।